लीसा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम ये मेकअप लुक क्रिएट करेंगे जिसे आप जो सिंपल हमारी राजपूती ड्रेस होती है प्योर की उस पर वेयर कर सकते हैं, या फिर विदाउट वर्क की जो ड्रेसेस होती है उन पे भी ये मेकअप लुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आज जो मैंने ड्रेस वेयर की वो बिल्कुल सिंपल है और विदाउट वर्क की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे अपना फेशियल ऑयल लगाऊंगी जिससे मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहे। मेकअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। उसके बाद हम अपना प्राइमर यूज़ करेंगे। ये मैं पी साइज अमाउंट ले रही हूँ इसका, और अच्छे से अपने फेस पे इसे लगाना है आपको। अब मैं अपना कंसीलर लगाऊंगी। आज हम सिर्फ कंसीलर का ही यूज़ करेंगे, कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइट मेकअप लुक है। और अच्छे से फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे आपको ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ अपना कॉम्पैक्ट लूँगी, अच्छे से पूरे फेस पे इसे लगाऊंगी जिससे मेरा जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। अब हम अपना आई मेकअप करेंगे। आज हम लाइट मेकअप लुक करेंगे इसलिए मैं ये ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं एक ब्राउन न्यूट कलर लूँगी और अपनी आई लिड पर अप्लाई करूँगी। आई शेडो लगाने के बाद जो भी आपके फेस पे एक्स्ट्रा आई शेडो गिरता है उसे हम एक ब्रश की हेल्प से इस तरह से डस्ट ऑफ कर लेंगे। अब मैं आई लाइनर अप्लाई करूँगी। लाइनर के बाद अब हम अपना मस्कारा यूज़ करेंगे जिससे हमारे लैशेज हैं वो बिगर लगे। अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी जिसके लिए मैं इस ब्लश ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको आपको अपनी चीक्स पर लगाना है। उसके बाद देन मैं अपनी ब्राउज़ को सेट करूँगी। नाउ यू कैन सी कितना डिफरेंस आता है ब्राउज सेट करने से आपकी ब्राउज़ में। उसके बाद मैं अपना काजल अप्लाई करूँगी। अब हम यह लिप लाइनर यूज़ करेंगे और अच्छे से अपनी लिप्स को एक डिफाइंड शेप देंगे और इससे अच्छे से अपनी लिप्स को फिल करेंगे जिससे हमारी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्ट रहेगी और ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी। यहाँ मैं ये रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैट लिपस्टिक है। मैं यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये नायका का स्ट्रॉब लिक्विड हाइलाइटर है। इसकी भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने चेक नहीं की है तो मैं यहाँ ऊपर उसका लिंक दे दूँगी, यू कैन चेक। आपको अच्छे से अपने हाई पॉइंट्स पर इसे अप्लाई करना है। अब मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट रहे और ज़्यादा टाइम तक स्टे करे। उसके बाद मैं अपनी बिंदी अप्लाई करूँगी और अपनी ज्वेलरी वेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी रखड़ी वेयर कर ली है और उसके साथ ये हेयर स्टाइल बनाया है। अगर आप इस हेयर स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है कि आप रखड़ी सीशफुल पे कैसे हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आपको दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ मैं अपनी सारी ज्वेलरी वेयर कर लूँगी। अब मैं अपने बैंगल्स वेयर करूँगी। अगर आप राजपूती चूड़े के बारे में जानना चाहते हैं कि उसे कैसे पहना जाता है तो उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं यहाँ आपको ऊपर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना सिंदूर अप्लाई करूँगी और यहाँ हमारा जो लुक है वो कम्प्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आपको दे दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो शेयर करूंगी। एंड थैंक यू। खमा घनी।